तो ठीक रहेगा, गाड़ी का बच्चा बजा। ये चेक करो भाई, बर्न आउट हो रहा है गाइस, बर्न आउट हो रहा है। तो गाइस दिखा दें आपको गाड़ी, दिखा दें तो ये चेक करो यार। तो गाइस चेक कर रहे हो, फाइनली जो अपनी गाड़ी है वो ब्लैक में हो चुकी है रैप पूरे। भाई मुझे इसको सेल करना पड़ेगा। तो गाइस देख लो यहाँ पे सिस्टम रेडी हो चुका है, पूरा सिस्टम हैंग कर देंगे गाड़ी भी पूरी दिखाना बाकी। हाँ हाँ वो एनू दिल्ली का। गाइस ये चेक करो यार, ये चेक करो भाई, देख रहे हो। और भाई काफला पूरा रोड ब्लॉक हो चुका है भाई, ये चेक करो वो देखो भाई, आज होने वाला तहलका, आज होने वाली खतरनाक चीज भाई। ये देख लो कैंडल वगैरह लगा चुके हैं, लगाता हूँ मैं फिर से रेडी करता हूँ। ओ भाई देख रहे हो मजा भाई, देख रहे हो यार। इधर हालत चेक करो केक की भाई, ब्यूटीफुल मेकअप, हैप्पी बर्थडे ब्रो। वो की गई होगी, वो देखो इधर मारो मार चल रही है कपड़े के साथ, चेक करो यार, बर्न आउट हो रहा है गाइस, बर्न आउट हो रहा निकल रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं मोटो ब्लॉगर हूं और यार मेरे को ना पूरे दिन धूप वगैरह में रहना पड़ता है, उसकी वजह से क्या हुआ यार मेरी स्किन जो है वो यार बहुत डल वगैरह हो गई हुई है और भाई मेरी स्किन में जो है वो यार मुहासे वगैरह हो चुके हैं। सो गाइस उससे बचने के लिए भाई मामाअर्थ ने लॉन्च किया है मामाअर्थ चारकोल फेस वॉश विद एक्टिवेटेड चारकोल एंड कॉफी। सो गाइस इस फेस वॉश की सबसे खास बात पता क्या है यार, सो गाइस इसमें है एक्टिवेटेड चारकोल जो भाई आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है और आपको डीप क्लीन करने में हेल्प करता है, और उसी के साथ साथ इसमें है भाई कॉफी जो आपकी स्किन को सूद करने में और आपके पोर्स टाइट करने में हेल्प करता है, और इसी के साथ साथ इसमें है गाइस क्ले जो भाई आपकी स्किन में ज्यादा ऑयल और यार डर्ट को हटाता है, एंड में आता है गाइस इसमें टी ट्री ऑयल जो गाइस आपके फेस का जो परमानेंटली ऑयल वगैरह और जो है डर्ट वगैरह उसको रिमूव करने में पूरी तरीके से हेल्प करता है। सो गाइस अगर आप भी मेरी तरह परेशान हो यार ऑयली स्किन से और भाई डर्ट से तो यार ये फेस वॉश जरूर से लेना। तो गाइस मामाअर्थ का एम है यार, उन्होंने 1 मिलियन प्लांट्स लगाने हैं 2025 से पहले पहले। जब भी आप इनका कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो ये आपके प्रोडक्ट जो है वो एक प्लांट से लिंक कर देते हैं, जैसे आप कोई प्रोडक्ट इनका परचेज करोगे तो ये आपके नाम पे एक प्लांट लगा देंगे। तो यार आप इनकी हेल्प करो 1 मिलियन प्लांट्स लगाने में 2025 से पहले पहले। सो गाइस मामाअर्थ का ये प्रोडक्ट आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा, जैसे कि नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, और आप अपने घर के पास किसी ऑफलाइन स्टोर से भी जाकर ले सकते हो। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से लोगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। मेरा प्रोमो कोड जरूर से यूज करना JANN2023, जिससे मिलेगा आपको 20% का डिस्काउंट। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी जाओ इस प्रोडक्ट को परचेज करो। तो गाइस अब निकलते हैं फटाफट से ब्लॉग बनाने। तो हे गाइस आज है भाई डे 2 और यार मतलब क्या बर्थडे भाई, क्या बर्थडे मनाया यार दोस्तों ने मेरा, मतलब अमेजिंग यार मैं बता नहीं सकता। हमने क्लिप्स वगैरह तो देखी होंगी भाई आपको, कितना प्यारा लगा, मतलब इतना प्यार यार लोगों ने, पता ये सब क्यों है भाई, क्योंकि भाई हम किसी को कभी अकेले छोड़ कर नहीं जाते यार, मतलब पूरी गैंग को साथ लेके जाता हूँ, और मतलब यार दोस्तों के साथ इतना किया ना, कभी किसी को मतलब के लिए यूज़ नहीं किया कुछ नहीं, तो वो भी भाई अपनी तरफ से लव दिखाते हैं, मतलब कि प्यार करते हैं यार मेरे को, कि भाई जानू हमारे साथ इतना करता तो भाई उसका बर्थडे, तो भाई मैं मतलब बता भी नहीं सकता इतना कुछ। आपने देखा उन्होंने कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया भाई, कम से कम 20 केक थे यार जो मेरे लिए वो लाए थे, क्या बोलूँ भाई, क्रैकर आए थे ये वो, तो बहुत सारा प्यार है। बाकी करते हैं ब्लॉग स्टार्ट, तो राम राम सभी को, करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। तो कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब बढ़िया होंगे होने पीछे। और यार आपने गाने में क्या मस्त प्यार दिया भाई, क्या मस्त प्यार दिया,
तो आज के आज दिन वो भाई 5 लाख क्रॉस होने वाला गाना। और यार गाइस आपको मैंने कमेंट करने के लिए बोलता था यार जाकर यार 1 लाख कमेंट करा दो, अभी भी भाई 50,000 के नियर अबाउट ही कमेंट हुए हैं भाई, मुझे 1 लाख कमेंट चाहिए। तो मेरी जो जेस्ट एंड फैमिली है ना, आप सबको मैं अपनी फैमिली मानता हूँ, तो भाई आप जाकर प्लीज़ यार 1 लाख कमेंट करा दो प्लीज़। तो बाकी यार गाइस अभी हम आए हैं लोकेशन पे, तो लोकेशन के पीछे आप देख रहे होगे इतनी देर से कि भाई ये क्या खड़ा है जानू भाई, कहीं ये आपकी स्कॉर्पियो तो नहीं है? तो हाँ भाई ये अपनी गैंगस्टर स्कॉर्पियो, तो फाइनली ये रेडी हो चुकी है, व्लॉग्स में मैंने अभी नहीं दिखाई थी। तो चलो गाइस आपको आप गाड़ी चेक कराते हैं। सो गाइस दिखा दें आपको गाड़ी दिखा दें, तो ये चेक करो यार। तो गाइस चेक कर रहे हो फाइनली जो अपनी गाड़ी है वो ब्लैक में हो चुकी है, रैप पूरे जेड ब्लैक फिल्म में चढ़ चुकी है, अलॉय डल चुके हैं भाई, फ्रंट पूरा चेंज हो चुका है, यहाँ पे चेक कर लो। और यार यहाँ पे VIP की बैजिंग लगी है, अलॉय क्रोम बिल्कुल लिश्क रहे हैं, यहाँ पे चेक करो भाई शीशे की अलग फील आ रही है भाई, शक्ल दिख रही है अपनी गाड़ी में। बाकी आप कहोगे जानू भाई आपकी नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, तो यहाँ चेक कर लो भाई ये वाइट कलर की कार है, हमने इसको रैप करा रखी है भाई पूरी ब्लैक में। तो चेक कर रहे हो, अभी आपको इसकी फुल डिटेल देता हूँ क्या क्या हुआ है इसमें। सो गाइस सबसे पहले इसकी बूट की बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर लो भाई, यहाँ पर मैंने लाइट्स इंस्टॉल करवाई, यहाँ पे ना पूरा ब्लैक आता है, तो ये लाइट्स ना बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो मैंने भाई लाइट्स इंस्टॉल करवा ली। बाकी डिक्की भी पूरी इसकी रैप हो चुकी है, तो यहाँ चेक कर लो भाई, ये आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, ये भी वाइट है भाई, और बाहर से पूरी गाड़ी ये भाई रैप नहीं है। मैं आपको मेन चीज़ बता दूँ, ये PPF है पूरी, इसके बम्पर भी PPF रखे हैं, पूरी साइड बॉडी भी PPF रखी है, और यहाँ पर भाई इसमें अलॉय डाले हमने 22 इंच। बाकी पूरे शीशे जेट ब्लैक हो चुके हैं, चेक करो भाई अलॉय के साथ जो इसकी लुक लग रही है ना, मैं आपको चलाकर दिखाऊंगी इतनी प्यारी लग रही है। बाकी आगे से चेक करो यार, इसमें आगे भी हमने लाइट्स इंस्टॉल कराई हैं, तो मैं आपको ना अभी ऑन करके दिखाता हूँ, कर दे ऑन। सो गाइस यहाँ पर चेक करो भाई, हमने इसके यहाँ पर लगाई है हमर लाइट बोलते हैं इसको यार, ऐसे तो फॉग लाइन पूरी चेंज, फ्रंट की लाइटें भी पूरी वाइट डाल दी हुई हैं, मतलब अमेजिंग लग रही है। और मैं आपको ना पीछे से दिखाता हूँ वो जो लाइट डाली है ना, ये चेक करो भाई, अभी मुझे नहीं पता आपको इतना दिख रहा है या नहीं, पर यार ये ना अमेजिंग लगती है भाई रात को। और पीछे पूरे शीशा जेड ब्लैक है, यहाँ पे हमने लगाया भाई हिंदू का स्टिकर, ये पहले का ही लगा आपको पता ही है। बाकी यार पूरी प्रोफाइल ये है भाई गाड़ी की, तो आप कमेंट करके बताना भाई आपको कैसी लगी अपनी गैंगस्टर स्कॉर्पियो। अब इसमें थोड़ा सा काम और भी बाकी है, फ्रंट शीशा भी इसका जेड ब्लैक होना है, पुलिस वाली लाइट्स इंस्टॉल होनी है, टायर स्टिकरिंग होनी है, तो वो थोड़ा बहुत काम है, वो चलो बाद में करवा लेंगे, कोई सीन नहीं है। बाकी गाड़ी बताओ यार कमेंट करके कि आपको अब ये लग रही है गैंगस्टर स्कॉर्पियो है कि नहीं। तो बाकी इंटीरियर की बात करूँगा इस, तो इंटीरियर में भाई हमने तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कराया, बस यहाँ पे चेक कर लो नॉर्मल सही है, एक ये लगा दिया हमने, और पीछे बेस वगैरह लगाई है, तो मैं आपको बेस वगैरह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये भाई सब वूफर लगा हुआ है JBL का, तो यही है कुछ नॉर्मल सा सीन ही है। बाकी गाड़ी कमेंट करके बताओ यार आपको कैसी लगी यार अपनी गैंगस्टर स्कॉर्पियो। तो गाइस अब नेक्स्ट बारी है भाई कुछ बड़ा धमाल करने की, तो अब मैं सोच रहा हूँ भाई कोई लग्जरी गाड़ी लेते हैं, तो भाई 5-10 दिनों के अंदर अंदर आपका भाई लेगा लग्जरी गाड़ी, ये भी जेस्टर्ड फैमिली से वादा है, और उसके भाई महीने के अंदर आपका भाई लेगा एक तगड़ी सुपर बाइक एक और। तो भाई कमेंट करके बता दो कौन भाई इंटरेस्टेड है और भाई किसको उम्मीद है, मतलब अब तबाही कर दूंगा तबाही, ठीक है ना। अभी गाने गुने के चक्कर में थोड़ा सा बिजी था, वरना तो अभी तक कहर डाल दिया था। तो जो भाई मतलब ये जो मेरे भाई हैं जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो यार मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना आपको अच्छे अच्छे कंटेंट अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना अपने चैनल पे। तो यहाँ पर चेक करो यार ये चीज़ है भाई नेक्स्ट लेवल है, मतलब ब्लैक वाइट गाड़ी को भाई कुछ ऐसा बना दिया, चेक कर रहे हो। तो चलो गाइस अब मैं आपको इसका फ्लाई बाय वगैरह देता हूँ। सो गाइस अभी देखिए आपने स्कॉर्पियो के शॉर्ट्स, तो बताना यार कमेंट करके कैसे लगी है। बाकी अभी थोड़ा बहुत काम रह चुका है, तो क्यों ना आपको गाड़ी दिखाते हैं यार अपनी जेस्ट एंड फैमिली को। यार आप भी बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, ऊपर से बीच में भाई मेरा गाना का शूट आ गया, फिर भाई मेरा सॉन्ग आ गया, तो उस वजह से भाई मैं कर नहीं पाया। बाकी आपके भाई ने जो जो आपसे वादे किए हैं वो हमेशा पूरे किए हैं भाई, कभी किसी तरह फेक ये नहीं बोला हम ये ले लेंगे, हम जी वैगन ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, जो है भाई जितनी उगा दो उतना ही बोला, ठीक है। तो गाइज अब सीन ये है, अब कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ लेने की सोच रहे हैं, तो वो भी आपको जल्दी बताएंगे, अभी नहीं भाई मैं डिस्क्लोज करने वाला, क्योंकि बोलोगे जानू भाई क्या कर रहे हैं, अभी महीने पहले 2 महीने पहले हमने थार ली थी, उससे पहले GT दी, थार दी, उसके बाद आपने स्कॉर्पियो लिया, बोल रहे हो भाई एक ही महीने के अंदर भाई लग्जरी गाड़ी लेनी है, करके आ रहे हो। तो भाई कुछ ऐसा ही सीन है। बाकी यार मैंने आपको बताना था भाई, देखो बर्थडे वाले दिन ना मेरा सीन नहीं होता है, मैं ना अपने कुल देवते के जाता हूँ, हमारे में ना कुल देवते वगैरह होते हैं, तो उसमें मैं भाई जाता हूँ, तो वहीं पे भाई मैं पूरा दिन स्पेंड वगैरह करता हूँ, अपना पार्टी वगैरह नहीं करता अपने बर्थडे वाले दिन,
तो मैं उसी मतलब कि कल के दिन मैं उधर ही था पूरे दिन, तो बस वहाँ से आके ना थोड़े से मतलब वो हिली एरिया मेरे को चक्कर वगैरह आ रहे थे तो मैं सो गया, उठा नहीं। तो आज भाई मैं सोच रहा हूँ यार कुछ ना कुछ गरीबों को कुछ डोनेट वगैरह कर दूँ। ऐसे उधर भी हमने लंगर वगैरह लगाया था, बट आज मैं कुछ कर दूंगा ना, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको कुछ खिला पिला दूंगा, तो वो सीन रहने वाला है आज। बाकी बर्थडे मेरा यही होता है, बाकी मेरे को कोई शौक नहीं है यार कि मैं हाई प्रोफाइल अपना क्लब में जाऊँ, पार्टीज करूँ अपने दोस्तों के साथ, वो मेरे ये वाले शौक ही नहीं है भाई। तो आज जो है आज भाई मदद वगैरह करेंगे किसी की गरीब की, तो वही सीन रहने वाला है। तो अभी भाई मेरे घर पे ना अर्जुन वगैरह आ चुका है अपने साथ मिलिंग, जिसने अपने भाई गाने की वीडियो शूट की थी, तो कमेंट करके बताना भाई कि आपको वीडियो शूट कैसी लगी थी। बाकी अभी चलते हैं फटाफट से अर्जुन भाई को लेते हैं। तो यहाँ पे गाइज फाइनली आ चुका है अर्जुन भाई। गाइज अभी हम लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं भाई? चिप्स वगैरह जो जो छोटे बच्चे खाते हैं उन सबके लिए कुछ ना कुछ लेंगे। और जूस की पेटी दे दो बड़ी, इसमें पूरे नहीं है, पूरे पूरे पक्की बात है, चेक करें फिर। गाइस फाइनली अभी आ चुके हैं बहू प्लाजा में भाई, गरीब बच्चों को राशन डोनेट करने। क्या क्या करना भाई आज? मतलब देखो यार छोटे बच्चे तो यही खाते हैं ना, चिप्स हो जाए, कोल्ड ड्रिंक हो जाए, बिस्किट हो गई भाई, चॉकलेट्स हो गई, यही होता है। तो अभी यही करते हैं, फिर देखते हैं कैसे ना। ओ जाओ उधर मिल जाएगा, राघव इसको भी दे। यहाँ पे जमा जमा करते करते चिप्स ले ले। वो इतने जूस और इतने चिप्स का क्या करेगा? हाँ ट्रेन पे खाएगा। जा और ले ले। अभी यार राशन वगैरह जो भी था मतलब कि थोड़ा बहुत वो सब डोनेट वगैरह कर दिया, तो अब यार हम जा रहे हैं घर वापस। तो यही था सीन थोड़ा बहुत। बाकी यार जिस दिन मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, आपको पता ही है पहले चैनल पे भी मैंने वादा किया था, इस चैनल पे भी वही वेडिंग्स है, जिस दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे उसने तगड़ा सा भाई लंगर लगाएंगे। जैसे मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी आपके भाई ने वादा किया था ना, यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आएगी सारी डोनेट कर दूंगा, मैंने कर भी दी थी आपको पता है, वो राशन अपना लंगर वगैरह लगाया था। तो वैसे ही 1 मिलियन पे ना बहुत तगड़ा वाला लंगर लगाएंगे, जो कि भाई 10 घंटे तो मिनिमम मैं सोचूंगा कि लंगर मेरा चलता ही रहे, ठीक है? तो वो देखेंगे। बाकी यही था सिस्टम आज का। बाकी यार आपसे एक जरूरी बात करनी है आज, तो अभी चलते हैं घर फटाफट से, मैं आपको बताता हूँ भाई जरूरी बात क्या है। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं घर पे, और भाई मैंने आपको बोला था ना कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो गाइस आपको पता है यार मैं अपने लाइफ का एक डिसीजन आपसे पूछ कर ही लेता हूँ। तो भाई डिसीजन मैंने पता क्या लेना है, यहाँ पे चेक करो भाई, यहाँ पे लगी अपनी ZX10R। तो गाइस मैं ना प्लान कर रहा हूँ एक अच्छी सी सुपर बाइक लेने का, जैसे कि भाई H2 होती है भाई, डुगाटी पहने के लिए V4 स्पोर्ट्स हो सकती है, बट वो लेने के लिए ना आप यहाँ पे चेक कर सकते हो भाई, मेरे घर पे स्पेस नहीं है, आपको पता है बस एक Duke 250 है और ये है। तो भाई मुझे इसको सेल करना पड़ेगा, और प्राइस में भी भाई वो थोड़ी सी ज़्यादा, तो उसके लिए भी बजट मेरा इतना है नहीं है कि मैं डायरेक्ट जाके ले लूँ, ये तो भाई सेल करनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ कि H2 या V4 पहने के लिए, V4S के लिए मुझे इसको सेल करना चाहिए, या अभी मैं थोड़ा रुक कर ले लूँ H2, या जो मेरी भाई पब्लिक बोलेगी वही करूँगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी मैं तो नहीं चाहता भाई इसको कि मतलब मैं बेच दूँ, बट स्टिल कुछ पाने के लिए भाई कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो आप बताओ भाई कमेंट करके कि भाई H2 या V4S के लिए हमें इसको सेल करना चाहिए नहीं, यही थी कुछ इंपॉर्टेंट बात। बाकी इसको भी ले हुए आपको पता है 2-3-4 महीने हुए हैं, तो यही मैं सोच रहा था। बाकी व्लॉग अभी इसी के साथ यही पेंड करते हैं, कल वाला व्लॉग आपको मोटर व्लॉग मिलेगा, बहुत देर होगी भाई मोटर व्लॉग किए हुए, तो कल मैं निकलूंगा भाई घर से, एक तगड़ा सा मोटर व्लॉग करेंगे आपके लिए। तो व्लॉग इसके साथ यही पेंड करते हैं, कीप गोइंग, कीप फॉरिंग सान याफ जे स्टैंड। और भाई सुनो जरूर भाई, 1 लाख कमेंट करा दो जल्दी से जाके गाने पे।